जीजा, जीजा, इस बार हमने कुंवर शक्ति के कक्ष की सारी साज सज्जा अपनी देखरेख में बदल डाली है। हमारे गिरधर गोपाल को भी कोई स्थान दीजिए यहाँ, ताकि ये आपकी कुंवर शक्ति का ध्यान रखे। लीजिए। गिरधर गोपाल, हमारे कुंवर शक्ति और राणा जी के बीच सारे मन मुटाव मिटा दीजिए और दोनों के बीच पहले जैसे पिता पुत्र वाले मधुर संबंध बना लो। अरे आप दोनों आ गए। देखिए कुंवर शक्ति, हमने आपके कक्ष की सारी साज सज्जा अपनी देखरेख में बदल डाली। अच्छी लग रही है ना? अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा और आपका मस्तिष्क भी ठंडा रहेगा। और देखिएगा, आपके और आपके दाजीराज के बीच बहुत मधुर संबंध बनेगा। अरे आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतने चुप क्यों हैं? बताइए कोई प्रताप, बोलिए क्या बात है? हम यह महल छोड़कर जा रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, महल छोड़ के चले जाएंगे? कुंवर प्रताप, आप चुप क्यों हैं? संभवतः यही सबके लिए ठीक है। माँ, आप ही आए थे ना हमारे कक्ष में बोलने? मंजली माता, हम कुंवर शक्ति को कुछ नहीं होने देंगे। फिर कैसे आपको ये बात ठीक लगी? मंजली माँ, हमारा मन ही जानता है हमें ये बात कहने के लिए इतना दुख हो रहा है, परंतु यही सत्य है मंजली माँ कि भाई शक्ति और दाजीराज के संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि वे दोनों एक दूसरे को देखना तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों के लिए एक दूसरे से दूर ही रहना हित में होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि हम राणा जी की प्रसन्नता के लिए अपने पुत्र को जंगल में भटकने दें? कि कभी भी हमें ये समाचार सुनने को मिल जाए कि वह किसी जानवर का शिकार बन गया? नहीं मंजली माँ, भाई शक्ति जंगल में नहीं रहेंगे, वे रावत जी के यहाँ रहेंगे और रावत जी ने भी इन्हें अपने पुत्र की तरह अपने साथ रखने के लिए तैयार है और दाजीराज ने भी ये निर्णय स्वीकार कर लिया है। दाजीराज को होगी ये व्यवस्था स्वीकार, पर हमें नहीं है। बस भाई शक्ति, बहुत बोल चुके अब आप। बार बार आप सबके सामने यही सिद्ध करना चाहते हैं ना कि आपको दाजीराज की कोई चिंता नहीं? फिर बताइए हमें, क्यों मारा आपने भानु सिंह जी को जब वे दाजीराज के विरुद्ध बुरा भला ही कह रहे थे? फिर क्यों किया आपने उनकी हत्या? परंतु ये सत्य नहीं है भाई शक्ति, दाजीराज के गौरव और उनकी प्रतिष्ठा का उतना ही सम्मान है जितना हमें है। पर हम कहीं भी जाकर रहे, जंगल में रहे, ये गांव में, इससे उन्हें क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है भाई शक्ति, यदि आप यूं ही महल छोड़कर जंगलों में रहेंगे तो फिर लोग दाजीराज के बारे में बातें बनाएंगे कि देखो राणा उदय सिंह ने अपने पुत्र के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर दिया। और जब उन्हें हमारी चिंता नहीं है तो हम क्यों करें उनकी चिंता? चिंता करनी पड़ेगी आपको भाई शक्ति। अब सत्य का सामना कर लीजिए, और सत्य ये है कि आप भी अभी मृत्यु दंड से बचकर आए हैं। क्षमा में मिला जीवन पुनः अपने हठ से बिगाड़िए मत भाई शक्ति, भाग्य भी बार बार अवसर नहीं देता। रावत जी कोई अपरिचित नहीं है भाई शक्ति, वे भी हमारे लिए अपने परिवार जैसे ही हैं। आप उनके साथ पूरे सुख सुविधा के साथ रहेंगे, इसे यूं लीजिए भाई शक्ति, नया जीवन, नया वातावरण, नया आरंभ। कुंवर शक्ति, हम आपके साथ क्यों नहीं चल सकते? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? नहीं मासा, आपका स्थान यहाँ मेवाड़ के राजमहल में है। आप रानी है राणा उदय सिंह की। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, कुछ बन नहीं पाते, आप सम्मान के साथ यही रहिए।
एकलिंग जी आपको सफल और सुख भरा जीवन। जगमान आपको बहुत याद करेंगे खुश। बाबा जी, अगर आप ये निर्णय किसी दबाव में आकर ले रहे हैं तो आप बता दीजिए, अब भी अपना निर्णय वापस ले सकते हैं। वैसे भी हम ये बात किसी औपचारिकता से नहीं कह रहे। माना जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? संतान भी भला पिता के लिए अभी दबाव हो सकती है। पता नहीं था बच्चे। राणा जी, कुंवर शक्ति का हम अपने पुत्र की तरह ध्यान रखेंगे। आपसे सच कहें तो हमारे इस एकाकी जीवन में कुंवर शक्ति एक ठंडी बयार बनकर आए। राणा जी, हम धन्यवाद देकर आपका मान नहीं घटाना चाहते, किंतु आपको हम पर भरोसा तो है। मैं आपसे अधिक अपना ध्यान रखिएगा राम जी। हम अपनी रानी माँ को आपके पास हमारी धरोहर समझकर छोड़ जा रहे हैं। उनका ध्यान रखिएगा। शक्ति, अपना ध्यान रखिएगा। सज्जा भाई जी, हम आपसे ये कहने आए हैं सज्जा भाई जी कि कुंवर शक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महल में आपका स्थान वही रहेगा जो हमारी रानी का होता है। आपने जो कुछ खोया है उसका हमें भी दुख है। इसके लिए आप हमसे जो मांगना चाहें मांग सकते हैं। मतलब कुंवर शक्ति को वापस बुलाने के अतिरिक्त आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। कुंवर प्रताप, चाहिए शीघ्र कुंवर प्रताप को यहां बुला के लाइए। राणा जी, हम जानना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को उत्तराधिकारी और मेवाड़ का भावी राजा घोषित करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? जीजा, अभी इस विषय पे बात करने का क्या फायदा? नहीं बहना, इस विषय को उठाने का हमें यही उपयुक्त समय लग रहा है। हमें सदा से पता है कि कुंवर प्रताप महान है, पर आज जैसे इन्होंने हमारे पुत्र का जीवन बचाया, जबकि हमारे कुंवर शक्ति ने तो इनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया, फिर भी इन्होंने भला किया। इससे ये पता चलता है कि कितना बड़ा है इनका मन। ऐसा ही तो राजा चाहिए ना हमें, और ऐसा ही तो राजा चाहती है मेवाड़ की प्रजा। परंतु मंजली माँ, हमने क्या किया है? सब कुछ तो रावत जी ने किया है। आपने मेवाड़ राज्य की सीमा तक रात को अकेले घोड़े पे जाके सूर्योदय से पहले रावत जी को लाने का वो काम किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। राणा जी, अगर आज आप अपने वचन से हमारी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो अविलंब कुंवर प्रताप को मेवाड़ का भावी राजा बनाने का उत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाए। हमारी यही इच्छा।
समस्या उत्तराधिकारी घोषित करने की नहीं, परंतु हमारे राजपुरोहित जी को निकट भविष्य में कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा। हाँ जीजा, और ऐसा शुभ काम तो सही मुहूर्त नहीं किया जाता है ना। हम तो बस एक बात जानते, सूरज प्रतिदिन मुहूर्त देख कर नहीं अपने समय पे निकलता है, और जब भी निकलता है अंधेरा मिटता है, उजाला होता है। वीर प्रताप जैसी महान संतान के राज्याभिषेक की मुहूर्त की क्या आवश्यकता। जिस क्षण इनका उत्तराभिषेक होगा वही क्षण शुभ मुहूर्त बन जाएगा। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने सज्जा भाई जी, और वो भी तब जब आपका मन पुत्र बिछोह में डूबा है। ये तो वही उदाहरण हो गया कि तप तपाती धूप में आप अपनी तपन को भूलकर दूसरे की छाव में अपना सुख ढूंढ। तुरंत दरबार बुलाया जाए, और हम चाहते हैं कि सब लोग उसमें उपस्थित हों। चलिए कुंवर प्रताप। हुकुम, दिल्ली से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आया। प्रधान जी, इससे पहले कि आप हमें संदेश सुनाएं, हम आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह कुंवर शक्ति मेवाड़ छोड़कर गए हैं, आप सबको उसका बहुत दुख है। तो विश्वास कीजिए, हमारे लिए भी यह निर्णय लेना कोई सरल बात नहीं, परंतु बीती बातों को छोड़कर हमें मेवाड़ के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना। दुर्भाग्य से हमारे राजपुरोहित जी को कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए निकट भविष्य में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिला। परंतु हमने निर्णय लिया है कि अब हम किसी भी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक होगा, और उनका राज्याभिषेक परसों यानी गणेश चतुर्थी के अगले दिन किया जाए। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक होगा, और उनका राज्याभिषेक परसों यानी गणेश चतुर्थी के अगले दिन किया जाए। गणेश चतुर्थी के बाद वाले दिन दाजीराज? क्यों कुंवर प्रताप, आपको इससे कोई आपत्ति है? जी नहीं। अरे जीजा, बैना धीर भाई अचानक उठ के यहाँ से क्यों चली गई? हमें नहीं पता, पर हमें लगता है राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। जीजा, हमने आपसे पूछा कुछ और आप जवाब कुछ और दे रही हैं। कोई बात नहीं जीजा, आप सभी पुरानी बातों को भूल के तैयारियों में लग जाइए। अब राजकार्य आरंभ किया जाए। बताइए कि दिल्ली से कौन सा संदेश आया है, और आप सब लोग जा सकते हैं। ऐसी खुशी के अवसर पर हम ये संदेश पढ़ना नहीं चाहते। प्रधान जी, वीर योद्धा के लिए अच्छा समाचार और बुरा समाचार दो पत्नियों की तरह होते हैं। किसे छोड़े और किसे चुने, वीरों को तो दोनों का सामना हंसते हंसते करना पड़ता है। आप संदेशा सुनाइए। संदेश आया है कि मुगल दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। हुमायूं की विशाल सेना के सामने शमशेर खान की स्थिति दयनीय है। ये तो बहुत ही एक अच्छा संदेश हुआ ना होगा। हमारे बाऊजी राज प्रताप की हत्या का षड्यंत्र कर रहा था ना दिल्ली में बैठा वो शमशेर खान, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। दरबार में कुछ भी बोलने से पहले भारत की राजनीति को अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर बात कीजिए। जब तक शमशेर खान दिल्ली पर राज कर रहा था, मेवाड़ के लिए बुरा था,
परंतु अब मुगल दिल्ली पर राज करेंगे और ये सारे राजपुताने के लिए संकट का संकेत है। वो एक बार फिर आ गए हैं रानी मां, जिन्होंने आपको एक गौरवशाली महारानी से निर्जीव चित्र बना दिया था। परंतु दाजीराज, हमने तो सुना था कि दादी रानी ने जौहर किया था। कुंवर प्रताप, आप यहां क्या कर रहे हैं? जाइए और मन लगा के शस्त्र अभ्यास कीजिए। नहीं दाजीराज, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक आप हमें बता नहीं देते कि हमारी दादी रानी की मृत्यु का मुगलों से क्या संबंध है। कुंवर प्रताप, निकालना चाहिए यहां से। दाजीराज, हमने कई बार देखा है जब भी आपके सामने मुगलों का नाम आता है आप गंभीर हो जाते हैं। दाजीराज, यदि आप हमें मेवाड़ के भावी राज अभिषेक के उपयुक्त समझते हैं तो फिर मेवाड़ के इतिहास में जो भी कुछ हुआ था उसे जानने और समझने के लिए आपको हमें योग्य मानना चाहिए। दाजीराज, क्या जानना चाहते हैं आप कुंवर प्रताप? यही, मुगलों का नाम सुनते ही हमारा रक्त खौलने क्यों लगता है? सुनिए, अगर हमारे इतिहास में मुगल बादशाह हुमायूं का नाम नहीं होता तो आज हमारी रानी मां जीवित होती। हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी दादी रानी, जिन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ अंतिम युद्ध करने से पहले तक अंतर महल से अपना पांव बाहर तक नहीं रखा, फिर भला उनका हुमायूं से क्या संबंध? हुमायूं तो एक आक्रमणकारी मुगल है ना दाजीराज। हमारी रानी मां की यही सोच थी कि प्रेम से बंधे रेशम के धागे में एक राखी में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े राजा को अपने स्नेह से बांध सकती है। दुर्भाग्य से उनकी सोच मिथ्या थी। हम कुछ समझे नहीं दाजीराज। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की नजर हमारे चित्तौड़ पर थी। हुमायूं ने हमारी रानी मां को वचन दिया था कि जब भी बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा तो हुमायूं की सेना चित्तौड़ की रक्षा करेगी। हमारी रानी मां ने हुमायूं को अपना भाई जैसा माना था, उस पर विश्वास भी किया था। जब समाचार आया कि महारानी साहब, बहादुर शाह की सेना गुजरात से निकल चुकी है, वे मेवाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी भी क्षण मेवाड़ में पहुंच सकते हैं। हम मुगल बादशाह हुमायूं के लिए ये राखी भेज रहे हैं। हम जानते हैं जैसे ही उन्हें एक छत्राणी की राखी मिलेगी वो समझ जाएंगे कि उनकी बहन संकट में है और अपनी बहन की रक्षा के लिए वो तुरंत सेना लेकर आएंगे। वो अपने मुगल भाई की प्रतीक्षा करती रही। दिन पे दिन बीतते गए और अंत में वो दिन आ ही गया जब रानी साहब, किले की दीवार को बारूद से उड़ा दिया गया है, आधी टुकड़ी नष्ट हो चुकी है, वे कभी भी किले में प्रवेश कर लेंगे। मुगल सेना की कोई सूचना? पर रानी माँ का अपने मुगल भाई के प्रति विश्वास एक बार भी डगमगाया नहीं। संसार में आज तक किसी भाई ने मुसीबत में पड़ी बहन का भरोसा नहीं तोड़ा है और आज भी इस बहन का भरोसा नहीं टूटेगा। महारानी साहब, जो गुप्तचर मुगलों की टोली के साथ आ रहे थे उन्होंने संदेशा भेजा है। हुकुम, समाचार बड़े दुख का है। हुमायूं ने सुल्तान बहादुर शाह से हाथ मिला लिया है। मुगल सेना जानबूझकर बहादुर शाह की सेना को हमें समाप्त करने का खुला अवसर दे रही है। हुमायूं से धोखा खाने के बाद हमारी रानी मां के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। आज हम सभी राजपूत छत्राणियों के लिए
शत्रुओं के हाथों अपने आत्म गौरव को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण देने का समय आ गया है। इसलिए हुमायूं और मुगल तो सदा शत्रु ही रहेंगे और ये शत्रुता कभी कम नहीं होगी और ना ही हमारे मन में बदले की धधकती आग कभी कम, क्योंकि उन्होंने रानी माँ को धोखा दिया है, उनके विश्वास को धोखा दिया है, उन्होंने रानी माँ को मारा है और उन वीरांगनाओं को मारा है जिन्होंने जौहर में कूद कर खुद को भस्म कर दिया, सदा सदा के लिए अमर कर दिया।